जी हाँ, हेलो दोस्तों, आप सब लोग का स्वागत है टच पैड का स्पोर्ट में। और मैं अंगद वर्मा, जो कि एक नया टॉपिक लेके आया हूँ कि वीडियो अपलोड कैसे करें, वीडियो अपलोड करने का अच्छे से तरीका, जो मैं आप लोगों से बताने जा रहा हूँ। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब भी करना। टच पैड का स्पोर्ट की सर्वे करना, किसी और का मत कर लेना, क्योंकि हमारे जैसे और जैसे भी नाम होंगे। और मैं अब आया हूँ मेन टॉपिक पे, टच पैडिकल स्पोर्ट में आपका स्वागत है। मैं वीडियो अपलोड करने का तरीका बताने जा रहा हूँ अच्छे तरीके से, जो नए यूट्यूबर हैं वीडियो अपने अपलोड कर पाते हैं, 2-3 व्यू खाली ही आते हैं उनके लिए है, कि अपना व्यू कैसे बढ़ाएं, अपना सब्सक्राइबर कैसे बढ़ाएं और अपना वॉच टाइम कैसे पूरा करें। क्योंकि आज के डेट में वॉच टाइम, सब्सक्राइबर, व्यू बढ़ाना बहुत मुश्किल हो गया है। आपका वीडियो वायरल नहीं हो रहा है, तो आप इस वीडियो के माध्यम से अपना वीडियो, अपना यूट्यूब का सिस्टम सुधार सकते हैं। तो आप पहले अपने यूट्यूब से प्लस आइकन पे दबा के अपना वीडियो अपलोड करिए। आप जिस टॉपिक पर वीडियो बना रहे हैं वो भी, और जिस टॉपिक पर वीडियो नहीं बना रहे हैं वो भी, तो आप प्लस आइकन से वीडियो अपलोड करिए। आपको प्लस आइकन में वीडियो अपलोड करने का ऑप्शन आएगा, वहाँ पे अपलोड करिए। फिर उसके बाद आपको क्या करना है, वीडियो को स्किप मत करना, क्योंकि आगे ही पूरा खेल छुपा हुआ है, वायरल होने का, वीडियो वायरल होने का पूरा खेल छुपा हुआ है। आगे स्किप करके मत देखना, क्योंकि भूल जाओगे आप लोग। जब वीडियो आपका अपलोड हो जाए वहाँ पे छेड़खानी कुछ नहीं करना है, जैसे ही जैसे अपलोड कर देना है, टाइटल, थंबनेल, डिस्क्रिप्शन, लिंक, टैग, कुछ भी नहीं भरना है। यूट्यूब में आपको कुछ नहीं करना है, नेट ऑन करके वीडियो अपलोड कर दो। जब वीडियो अपलोड हो जाए तो नेट को नहीं बंद करना है, ये बात ध्यान रखना। वीडियो अपलोड होने लगे तब नेट को बंद नहीं करना है, और जब तक हो जाएगा जब तक नहीं बंद करना है, होने के बाद भी नहीं बंद करना है। उसके बाद आप अपलोड हो जाने के बाद आप आ जाइए YT स्टूडियो में, YT स्टूडियो में आप आ जाइए। फिर अपना वीडियो को, जो वीडियो अपलोड कर रहे हो या कर चुके हो, वो वीडियो को एडिट करिए। वहाँ पे आपको वीडियो को लाइक और चैनल सब्सक्राइब कर लो मेरे भाई, मेरे दोस्त। वीडियो वायरल ऐसे नहीं होता है, इसमें बहुत सारे ट्रिक हैं जो यूट्यूबर लोग करते हैं, बड़े बड़े यूट्यूबर लोग करते हैं, छोटे भी नहीं जानते वो भी करते हैं, जो नहीं जानते वो क्या करते हैं। और जैसे मैं, हमको मालूम हुआ है, इसलिए मैं आपके साथ प्रैक्टिकली शेयर कर रहा हूँ, जो कि मैं ऐसे ही कर रहा हूँ, इसका अनुभव ले रहा हूँ। मेरा व्यू और मेरा वॉच टाइम, सब्सक्राइबर भी बढ़ रहा है धीरे धीरे से, जैसे कि प्रतिदिन के हिसाब से हमारा व्यू 20% बढ़ रहा है। तो आप ये समझिए कि ये वीडियो आपकी बहुत काम की है, इसलिए इसको स्किप मत करना। आप वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। तो फिर आप उसको एडिट करिए, वहाँ पे आपको थंबनेल लगाना है, इतना झक्कास थंबनेल लगाना है, इतना झक्कास कि आप कोई भी बंदा देखे उस थंबनेल को तो क्लिक कर दे। थंबनेल लगाया ही जाता है क्लिक करवाने के लिए ही, क्लिक बेट थंबनेल ही बनाता है आपके वीडियो को। 50% में से 40% ही क्लिक बेट थंबनेल ही बनाता है। उसके बाद वीडियो के अंदर क्या है किसी को नहीं पता है, जब क्लिक होगा तभी तो मालूम पड़ेगा क्या है इसके अंदर, तभी लोग देखेंगे। तो थंबनेल इतना झक्कास लगाइए आप कि बंदा देखे तो क्लिक कर दे। उसके बाद आपको टाइटल लिखना है, टाइटल काम करता है आपका सर्च बार में, कि टाइटल में आप किस प्रकार के वीडियो डाले हैं उसी प्रकार का टाइटल बनाइए। और 3% में अपना टाइटल लिखिए, 3% में कामा लगा के टाइटल लिखिए, जो बड़ा सा कामा होता है ना वही कामा लगाना है, छोटा कामा नहीं लगाना है। तो उसी कामा लगा के 3% में अपना टाइटल लिखिए। जैसे आप यूट्यूब अपलोड करने का तरीका, जैसे मोबाइल से यूट्यूब पर वीडियो कैसे अपलोड करते हैं, जैसे कि वीडियो अपलोड करने का तरीका बताइए, 3% में एक ही टाइटल में लिखिए। फिर उसके बाद आपको डिस्क्रिप्शन लिंक भरना है, करीबन 15% में आपका एक ही वीडियो, 15% में आपका वीडियो चले, क्योंकि आदमी सर्च बार करेगा तो 15 शब्दों में से कोई भी शब्द आप में फंस जाए। ये है यूट्यूब का सिस्टम, तभी वीडियो आपका वायरल होगा। कोई सर्च करे
कि वीडियो कैसे अपलोड करते हैं, तो आपके पर्सन में, आपके वीडियो में वो पर्सन हो तो आपका वीडियो यूट्यूब रिकमेंड करेगा कि इसमें ये है, इसलिए वीडियो जल्दी से वायरल होगा। तो उसमें 15 शब्द में अपना टाइटल, इस डिस्क्रिप्शन लिंक भरिए, 3 शब्द में टाइटल भरिए, उसके बाद अपना टैग लगाइए। टैग लगाने के बाद फिर टैग लगाने के बाद उसमें टैग में अपना मोबाइल, अपना यूट्यूब चैनल का नाम लिखिएगा और जिस कैटेगरी का है वीडियो, जैसे किस टॉपिक का वीडियो है वो टॉपिक भी लिखना पड़ेगा और 3 शब्द में उसको भी लिखना है टैग लगा के। टैग लगाइए, फिर उसके बाद अपना आप आ जाइए यूट्यूब, उसी में YT स्टूडियो में ही नीचे आप सिलेक्ट कैटेगरी का कि किस कैटेगरी का आपका वीडियो है, तो आप उस कैटेगरी को चूज करिए। फिर उसके बाद आ जाएगा आपको लोकेशन का, लोकेशन में आपको ये डालना है कि आप अपना वीडियो कहाँ पर रन करवाना चाहते हैं, यूट्यूब के माध्यम से अपना वीडियो आप कहाँ पर रन करवाना चाहते हैं, तो जहाँ पर रन करवाना चाहते हैं वहाँ का कंट्री सेलेक्ट कीजिए, इंडिया, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, यूरोप, एशिया और जर्मनी, फ्रांस, अमेरिका, अन्य जैसे कंट्री में आपको रन करवाना है वहाँ का कंट्री सेलेक्ट करिए। उसके बाद आपको आ जाना है पब्लिक और अनइंस्टॉल और प्राइवेट में, तो आपका आप वीडियो यूट्यूब से अनइंस्टॉल में अपलोड हुआ है, उसके बाद आप यहाँ पे पब्लिक कर दीजिए। वीडियो को पसंद आए तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को 2 आदमी को शेयर करना, तो आप पब्लिक में कर देना सेलेक्ट। उसके बाद आप वीडियो को सेव कर सकते हैं, सेव कर देने के बाद जब तक वीडियो का टाइम है, जितना टाइम है उससे 2 गुना तक इंटरनेट नहीं बंद करना है, क्योंकि कोई भी नोटिफिकेशन कहीं भी जाता है तो इंटरनेट के ही द्वारा ही जाता है, इसलिए आप अपना इंटरनेट का स्पीड या इंटरनेट नहीं बंद करना है। उसके बाद जब आपका वीडियो अपलोड हो जाए, इंटरनेट नहीं बंद करना है, उसके बाद आप अपना YT स्टूडियो में अपना वीडियो का एनालिसिस देख सकते हैं कि मेरा वीडियो कितना व्यू लेके आया और कितना सब्सक्राइबर लेके आया और कहाँ कहाँ पे इसका इम्प्रेस भेजा गया, किसके किसके पास कितना भेजा गया, वहाँ से आप चेक कर सकते हैं। और ये ट्रिक आप प्रतिदिन आजमाइए और देखिए प्रैक्टिकली, और आपका अनुभव कैसा रहेगा वो आपको मालूम पड़ जाएगा, क्योंकि वीडियो के माध्यम से आप, मैंने इतना कोशिश किया है कि आपका वीडियो वायरल हो जाए और चैनल भी सब्सक्राइब हो जाए और वॉच टाइम भी बढ़ जाए, सब कुछ आपका सही हो जाए। इसलिए वीडियो को यहीं पे समाप्त करता हूँ, आप वीडियो को लाइक करना और चैनल सबको सब्सक्राइब कर लेना, टच पैड का सपोर्ट को भी, किसी और को मत कर लेना, देख के करना कि मेरा ही लोगो बना है कि किसी और का बना है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।